एक बार फिर से किसानों का आंदोलन शुरू हो गया है, लेकिन इस बार यह आंदोलन पंजाब में वहां की भगवंत मान सरकार के खिलाफ। किसान फिर से चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर पूरी तैयारी के साथ जम गए हैं। किसानों की पंजाब सरकार से 11 मांगे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी वो हटेंगे नहीं। किसानों का एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो गया है, लेकिन इस बार पंजाब के किसानों का आंदोलन आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ है। बिजली की कमी पर पंजाब सरकार के धान की रोपाई की अलग अलग समय में करने के आदेश और मुआवजा को लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। किसानों को पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ जाने के लिए मोहाली बॉर्डर पर रोका तो वो वहीं पूरी तैयारी के साथ बैठ गए हैं। जैसे दिल्ली में सवा साल रहे हैं, सरकार ज्यादती कर रही है, हमारी मांगे हैं वो मान नहीं रही, तो हमें तो कोई उपरा भी नहीं लग रहा है। इससे पहले हमने दिल्ली बहुत टाइम काटा है। किसानों ने पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। भगवंत मान का चेहरा देख के पंजाब के किसानों ने 80% वोटा पाई है, आज वही किसान कितने ने सड़कों पे बैठे। दरअसल किसान अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलना चाहते थे। पहले से तय कार्यक्रम के बावजूद सीएम भगवंत मान आखिरी समय में किसानों से नहीं मिल पाए और किसानों को मुख्य सचिव के साथ मीटिंग करने को कहा गया। इससे किसान नाराज हो गए। जितनी देर हमारी समस्या का हल नहीं होगा तब तक हमारा जो प्रोटेस्ट है ये जारी रहेगा। हालांकि किसानों के इस आंदोलन पर सीएम भगवंत मान ने सफाई भी दी है। उन्होंने जेडे मुद्दे ने साडी सरकार वालों उन्होंने आज भी गलबात की गई है ते वो सानू दस देन ते मिलके गल कर लांगे। वहीं इस पूरे मामले पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब सरकार को घेरा है। पंजाब का किसान बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो उन्होंने उनके सपने जगाए उसके बाद उनके ऊपर पूरा खरा उतर नहीं रहे, क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो किसान तो बगावत करेगा ही। इसलिए किसान ने बगावत किया तो ये वो कैसे निपटेंगे, कैसे सुलझेंगे, ये उनका काम है। इसी बीच राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पंजाब डीजीपी ने केंद्र सरकार से अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां मांगी हैं। जी मीडिया ने पहले ही पंजाब में आतंकी हमलों से लोगों को बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए कई रिपोर्ट्स दिखाई थी। कहीं न कहीं उनका असर होता दिख रहा है। वैसे भी जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है, इसलिए भी सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की जरूरत है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।